राधे सर्वोच्चता देखी गई और इन्होंने ज्ञान और भक्ति दोनों का मुक्त हस्त से दान दिया हम लोगों को। पहले जगत गुरु हुए हैं जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज, जिन्होंने श्री राधा कृष्ण की भक्ति का धुआंधार प्रचार किया और श्री राधा नाम को आज विश्वव्यापी बना दिया। आज गली गली में राधे राधे नाम का उच्चारण होता है। श्री राधे नाम को विश्वव्यापी बना दिया। बड़े बड़े महान संतों ने मन से हरि भक्ति का उपदेश दिया, यानी मन से भक्ति करनी चाहिए। बड़े बड़े महान संतों ने बताया, उसी को ध्यान स्मरण मेडिटेशन साधना का नाम दिया गया। उसी ध्यान को जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज ने प्रथम बार रूप ध्यान की संज्ञा दी और उन्होंने अपने सिद्धांतों में स्पष्ट किया कि मन से मनोवांछित रूप बनाकर श्री कृष्ण का और उसे मनोवांछित रूप का रूप को केंद्रित करके उनका ध्यान करने का नाम ही रूप ध्यान है। ये रूप ध्यान की पद्धति उन्होंने हम लोग को सिखाई और पहले जगत गुरु हुए हैं जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज 90 वर्ष की आयु में ही जिनके प्रवचनों में आपने सुना होगा वेद शास्त्र के नंबर पुराणों के नंबर गीता भागवत आदि जो हमारे ग्रंथ हैं इनके नंबर जब वो द्रुत गति से बोलते थे अपने प्रवचन में तो उनको देखकर उन मंत्रों के उच्चारणों को सुनकर नंबरों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो ये विशेषताएं केवल श्री महाराज जी में जगत गुरुतम होने के कारण, जितने पहले जगत गुरु हुए हैं उनमें ये सब विशेषताएं नहीं थी, लेकिन जगत गुरु थे ज्ञान और सारे संसार के गुरु। ये जगत गुरु की उपाधि इसीलिए बनाई गई है कि भाई बंद करके आप जगत गुरु को भी, जो भी वर्तमान समय में जगत गुरु हो उसको आंख बंद करके आप गुरु रूप में वर्णन कर सकते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तो वास्तविक गुरु को ही गुरु रूप में वर्णन करना होगा। एक प्रश्न आप लोगों का होता है कि भाई हमने गुरु तो बना रखा है, दीक्षा ले रखी है, मंत्र ले रखा है, लेकिन जो लाभ होना चाहिए जैसा कि आपने बताया कि भाई मंत्र देते ही दीक्षा लेते ही वो भगवान का दर्शन होना चाहिए, तो हमको लाभ नहीं हुआ। और लोग कहते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए और इतना डरा देते हैं अगर तुमने गुरु बदला तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, ये होगा, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा बताते हैं लोग। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ, गुरु बदलना कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं लगता ब्रह्म हत्या का। इसे लॉजिक से समझ लीजिए, जब आप शरीर का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लगातार महीना 6 महीना आपने उस डॉक्टर की दवा की, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है,
तो आप क्या करते हैं, उसी डॉक्टर के पीछे लगे रहते हैं? नहीं, तो क्या करते हैं, चुपचाप किसी और दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं। उससे आप ठीक हो रहे हैं तो ठीक है, उससे भी फायदा नहीं हुआ, आप तीसरे गुरु के पास, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी जब तक आपको ठीक से फायदा नहीं होता, आप डॉक्टर बदलते हैं, लेकिन पहले वाले डॉक्टर पे कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते, ना करते हैं कि भाई तुमने तो बेकार की अपनी डिग्री लगा रखी है, तुमको तो इलाज करना ही नहीं आता, हमारा इलाज नहीं किया तुमने, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। कोई गुस्सा नहीं करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चुपचाप किसी दूसरे डॉक्टर से अपना इलाज करा लेते हैं। तो जैसे ये शरीर के डॉक्टर हैं, आपने शरीर के डॉक्टर को बदला, लाभ नहीं हुआ, तो ये जो गुरु होते हैं ये आत्मा का इलाज करते हैं। और गुरु में भी कई कैटेगरीज होती हैं, कोई ज्ञान मार्ग का गुरु है, कोई भक्ति मार्ग का गुरु है, कोई कर्म मार्ग का गुरु है, कोई योग मार्ग का गुरु है, भक्ति मार्ग में भी कोई दास्य भाव का गुरु है, कोई वात्सल्य भाव का गुरु है, कोई सख्य भाव का गुरु है, कोई माधुर्य भाव का गुरु है, माधुर्य भाव में भी कोई साधारणी रति का गुरु है, कोई समंजसा रति का गुरु है, और कोई समर्था रति का गुरु है। इन सब में भक्ति का जो सबसे ऊंचा माधुर भाव है, माधुर भाव में भी जो समर्था रति का गुरु होता है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यानी गोपी प्रेम प्राप्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ये सबसे उच्च कोटि का गुरु होता है। लेकिन और जो मैंने गुरु बताए कि है सब गुरु, लेकिन सबका मार्ग अलग अलग है, मंजिल एक ही है, सबको भगवत प्राप्ति होगी लेकिन अलग अलग मार्ग से। तो अब हमने कर्म मार्ग का गुरु बना लिया और हमारे संस्कार भक्ति के हैं, क्योंकि कलयुग में भक्ति प्रधानता है, तो हमको लाभ नहीं हो रहा है और मन में ये बात भरी पड़ी है कि नहीं गुरु नहीं बदलना है, गुरु बदलोगे तो पाप लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आप गुरु बदल सकते हैं। बस ये है, पहले वाले गुरु में दुर्भावना नहीं करनी है, नमस्कार सबको करना है, सत्कार सबका करना है, प्रणाम सबको करना है, दुर्भावना कहीं ना होने पाए। और जिससे आपको लाभ मिल रहा है आप आंख बंद करके उसके पास चले जाइए, कोई आपको पाप नहीं लगेगा। दूसरा, लोग कहते हैं कि एक घर में सबका एक ही गुरु होना चाहिए। देखिए, सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, पति के अलग, पत्नी के अलग, बच्चों के अलग। अगर ऐसा होता है कि सबने एक को गुरु बना लिया, बहुत अच्छी बात है, जाने आने में आसानी होती है, साधना करने में आसानी होती है। लेकिन अब आपके पति किसी और गुरु से दीक्षित हैं और वो चाहते हैं आप भी उधर जाएं, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, तो ये कंपल्सरी नहीं आपको भी उन्हीं को गुरु बनाना है। या पति ने किसी और को गुरु बनाया हुआ है, वो पति से गए कि आप भी उधर चलिए और उनका मन नहीं है उधर जाने को, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सबके संस्कार अलग है, सबकी रुचियां अलग अलग है, जिसके संस्कार जिससे जुड़े हुए हैं वो वहां पर जाएगा। तो लेकिन अगर एक को बनाया तो बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा चलता है फैमिली में, लेकिन नहीं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और आप जबरदस्ती ना कहीं जा सकते हैं ना किसी को ला सकते हैं। तो गुरु के विषय में ये जो धारणा है गुरु बदल नहीं सकते, इसको मिटा दीजिए। गुरु बदलने से कोई पाप आप नहीं लगता। तो जब हम वास्तविक महापुरुष की शरणागति करेंगे और वो वास्तविक महापुरुष हमको बताएगा कि साधना कैसे करनी है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग कौन कौन से हैं और कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है, ये मेन प्रश्न आ गया। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग कौन कौन से हैं और कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।